चर्चा स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। पहले निफ्टी के ऊपर चर्चा स्टार्ट करते हैं। मात्र 41 पॉइंट की गिरावट है पिछली क्लोजिंग की तुलना में। ये निफ्टी का वन डे कैंडल चार्ट मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये वन डे चार्ट है और वन डे चार्ट के ऊपर अगर आप देखिए, लगातार हमको लूज ऊपर ही की तरफ खिसकते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि हाइज थोड़े से नीचे की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो क्रिटिकल लेवल्स हमने आइडेंटिफाई किए थे, निफ्टी उन क्रिटिकल लेवल्स को बचा पाने में कामयाब रहा है। अगर हम आज की बात करें तो आज निफ्टी का जो लो बना है 19,670। ये अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग लो है, यानी कि निफ्टी 19,650 के नीचे भी नहीं गया है। ये अपने आप में एक पॉजिटिव संकेत के तौर पर ही मैं लूँगा। और अगर हम थोड़ा पीछे जाकर के लो को देखें तो एक कैंडल पीछे के लो को देखें, अगर हम इस लो को देखें, यानी कि हम फ्राइडे के लो को देखें, 17 तारीख के लो को देखें, तो 19,667 का लो बना था। इन दोनों लोस को अगर हम कंपेयर करें तो यानी कि निफ्टी अपने निचले स्तरों को डिफेंड कर रहा है। मुझे तो यही लग रहा है कि निफ्टी अपने लो को डिफेंड कर रहा है। निफ्टी ने नया लो नहीं बनाया, निफ्टी ने पिछले दिन के लो को टच नहीं किया, उसको नहीं तोड़ा, ये बात अच्छी है। तो अभी भी जो पर्सपेक्टिव है वो मुझे ठीक ठाक ही लग रहा है। आज भले 40 पॉइंट की आपको गिरावट दिखाई दे रही हो, यूँ तो बाज़ार है, बाज़ार के अंदर कभी तेज़ी होगी कभी गिरावट होगी, लेकिन ओवरऑल जो स्थिति है वो मुझे निफ्टी के अंदर स्टेबल लग रही है। मुझे निफ्टी के अंदर कोई ऐसा वीकनेस नहीं दिखाई दे रही है। ये मेरा अपना पर्सपेक्टिव है, मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है सारी बातों को मिला करके देखने से। यहाँ पर अगर हम ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो हमें यहाँ पर ये बात भी दिखाई दे रही है कि 21 डेज़ का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो 50 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तुलना से ज़्यादा है। और यहाँ पर हमको एक बुलिश क्रॉसओवर भी दिखाई दे रहा है, जो कि हमको ये बता रहा है कि ओवरऑल अगर हम पिछले कई दिनों के प्राइस एक्शन को देखें तो वो भी एक ठीक ठाक ही संकेत यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम लेवल्स की बात करें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें, तो सपोर्ट के लेवल्स बिल्कुल एकदम क्लियर हैं, 19,650 और 19,600। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल्स हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस के लेवल्स की बात करें, या जिन लेवल्स के ऊपर हम निफ्टी को क्रॉस करके क्लोज होते हुए देखना चाहेंगे, वो यही लेवल्स हैं। अभी 19,700 ये लगातार लेवल्स लगे हुए हैं, 19,750। अभी हम इन लेवल्स की बात करें, मुझे ऐसा लगता है कि ये लेवल्स क्रॉस हो, 19,700 के ऊपर अगर आज क्लोजिंग होती तो अच्छा रहता। अभी भी निफ्टी काफ़ी करीबी है। अभी जब मैं आप लोगों के साथ बातचीत करूं तो लगभग 3:20 हो रहे हैं और अभी निफ्टी लगभग 19,693 के आसपास चल रहा है। तो 19,700 के आसपास तो निफ्टी चल ही रहा है, फिर 750 और 19,800 ये ऊपर की तरफ के लेवल्स के बारे में बात हम लोग करेंगे। यहाँ पर अगर हम बातचीत करें RSI की, तो RSI भी अभी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड ज़रूर दिखाई दे रहा है, लेकिन RSI का नंबर भी अपने आप में मुझे गुड इनफ दिखाई दे रहा है। ये 58 का लेवल है तो नॉट बैड, ये भी मुझे RSI का नंबर भी गुड इनफ दिखाई दे रहा है। तो चार्ट के ऊपर 21 डेज और 50 डेज के EMA का क्रॉसओवर, साथ ही साथ निफ्टी के अपने लो को डिफेंड करना और RSI का लेवल 58 के आसपास होना, ये सभी बातें मुझको ये बताती हैं कि अगर निफ्टी के अंदर तेज़ी भले आज हमको ना दिखाई दी हो, लेकिन इसके बावजूद भी निफ्टी इज़ गुड इनफ स्टेबल, दैट इज़ हाउ आई सी इट। बाकी निफ्टी में क्या स्थिति है ओपन इंटरेस्ट की, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पर ये लेवल्स आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं 19,650 और 19,600 के ऊपर हम बढ़िया सपोर्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की बात करें तो 19,750 और 19,800 ये टफ रेजिस्टेंस के लेवल्स के तौर पर हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। अगर हम यहाँ पर OI चेंज की बात करें तो OI चेंज थोड़ा सा
निगेटिव आप बोल सकते हैं या थोड़ा सा वीक बोल सकते हैं। वाई चेंज की बात करें तो आप देख सकते हैं 19,700 के ऊपर आज जम करके कॉल राइटिंग हुई है, 19,700 के नीचे ही आज निफ्टी को रखने का प्रयास किया गया है, 19,750 के ऊपर भी कॉल राइटिंग हुई है, 19,800 के ऊपर भी हम लोगों को कॉल राइटिंग दिखाई दी है। ये तगड़ी कॉल राइटिंग ही एक कारण रही है जिसके चलते निफ्टी आज हम लोगों को अंडर प्रेशर दिखाई दिया है। सपोर्ट की बात करें तो 19,600 के ऊपर हमको फिलहाल पुट राइटिंग भी यहाँ पर देखने को मिली है। तो ओपन इंटरेस्ट से स्थिति जो है वो थोड़ी सी वीक दिखाई दे रही है, चार्ट के ऊपर मजबूती दिखाई दे रही है। यहाँ पर आखिरी 15 मिनट में कुछ पता नहीं चल पा रहा है, लास्ट 30 मिनट की बात करें तो काफ़ी पोजीशंस स्क्वायर ऑफ हुई हैं। तो आखिरी कुछ मिनटों की बात करें तो अभी फिलहाल यहाँ पर स्थिति ओपन इंटरेस्ट से क्लियर नहीं हो पा रही है। वापस मैं लौटूंगा यहाँ पर और बैंक निफ्टी के ऊपर भी आप लोगों के साथ बातचीत करना चाहूँगा। बैंक निफ्टी में स्थिति रिलेटिवली निफ्टी की तुलना में वीकर है, ये बात हम लोग लगातार ऑब्जर्व कर रहे हैं और इसके पीछे आपको जो खबरें हैं वो भी पता हैं कि जो RBI की तरफ से नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनके चलते बैंकों का जो पर्सनल लोन बिजनेस है वो प्रभावित हो सकता है। और हालांकि बैंकों के ऊपर असर कम पड़ेगा, NBFCs के ऊपर असर ज़्यादा पड़ेगा ऐसा जानकारों का मानना है। तो बैंक निफ्टी तो अभी वीक ही दिखाई दे रहा है और बैंक निफ्टी क्योंकि वीक है इसी वजह से निफ्टी जो है वो सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी निफ्टी डिराइव नहीं हो पा रहा है क्योंकि बैंक निफ्टी का सपोर्ट निफ्टी को नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बैंक निफ्टी का वन डे कैंडल चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी के वन डे चार्ट के ऊपर हमको वीकनेस दिखाई दे रही है, क्लियरली हमको लोअर हाई की स्थिति दिखाई दे रही है, हमको लोअर लो की स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम लेवल्स की बात करें तो आज जो बैंक निफ्टी ने लेवल्स हिट किए हैं उनको भी हम देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ने आज लो बनाया लगभग 43,450 के आसपास लो बना दिया। देखिए यहाँ पर मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि बैंक निफ्टी के अंदर वीकनेस है लेकिन हमने बैंक निफ्टी के अंदर एक पर्टिकुलर कैंडल को आइडेंटिफाई किया है। जैसे अभी आज मैंने बोला कि हम किसी लेवल को आइडेंटिफाई करते हैं और जब तक वो लेवल नहीं टूटता है तब तक हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं चेंज करते हैं, यही टेक्निकल एनालिसिस के अंदर एक तरीका होता है, एक अप्रोच होती है। यहाँ पर अगर हम इस पर्टिकुलर कैंडल की बात करें, ये कैंडल बनी थी 7th of November की, आप इस कैंडल को अच्छी तरह से देख सकते हैं। 7th of November की कैंडल पर आप देख सकते हैं कि ये एक हैमर कैंडल थी और लो बनने के बाद बढ़िया रिकवरी हुई थी और ये 7th of November को जो हैमर कैंडल बनी थी इसका लो बना था लगभग 43,283 के आसपास। और यहाँ पर ये ब्लू कलर की लाइन है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और ये लेवल कैलकुलेट होकर क्या रहा है लगभग 43,300 के आसपास। तो ये दोनों लेवल जो हैं ये दोनों लेवल लगभग बराबर है, यानी कि 7 नवंबर की हैमर वाली कैंडल का लो और 200 दिनों कई में ये 43,300 के आसपास के लेवल है। तो भले बैंक निफ्टी के अंदर आज कमज़ोरी रही हो या हो सकता है कि बैंक निफ्टी के अंदर कल भी कमज़ोरी रहे, लेकिन जब तक ये लेवल पूरी तरह से इंटैक्ट हैं तब तक हम यही मान करके चलेंगे कि बैंक निफ्टी के अंदर रिवर्सल की पॉसिबिलिटी है, बैंक निफ्टी यहाँ पर सपोर्ट लेकर के फिर से बाउंस बैक कर सकता है। तो सिर्फ एक दिन का व्यू ना लेने के बजाय अगर हम ओवरऑल व्यू बनाएं तो ये क्रिटिकल सपोर्ट के लेवल्स हैं जिनके टूटने पर हम चेंज ऑफ कैरेक्टर की बात करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर जो एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, के जो ट्रेंड चल रहा था उस ट्रेंड के अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है। तो जो ट्रेंड इस हैमर से इस्टेब्लिश हुआ जब तक इस हैमर का लो नहीं टूटेगा तब तक हम चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं ऑब्जर्व करेंगे। और अभी फ़िलहाल हम इसी बात की उम्मीद करेंगे कि इन्हीं लेवल्स के आसपास बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर बैंक निफ्टी के अंदर तेज़ी आती है तो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस के लेवल्स क्या हो सकते हैं, तो किसी भी पर्टिकुलर डे के ऊपर जो हाई बना है वो हाई ही महत्वपूर्ण लेवल होता है। तो ये हाई हमारे लिए एक महत्वपूर्ण लेवल है, हमारे लिए ये हाई एक महत्वपूर्ण लेवल है जो कि हम लोग एक रेजिस्टेंस के तौर पर ऑब्जर्व करेंगे। आज का हाई अगर हम देखें तो ये बनता हुआ दिखाई दिया है लगभग
43,724 के आसपास, और इससे प्रीवियस हाई अगर हम देखें तो ये बनता हुआ दिखाई दिया लगभग 43,872 के आसपास। तो इन्हीं लेवल्स के आसपास हम रेजिस्टेंस को ऑब्जर्व करेंगे, 43,724, 43,872 ये लेवल्स बैंक निफ्टी के लिए क्रिटिकल लेवल्स होंगे। और जब ये लेवल टूटेंगे बैंक निफ्टी के अंदर, जब 43,700 का लेवल टूटेगा तो हमको और फर्दर तेज़ी आती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर अगर हम इस बात को समझने का प्रयास करें कि RSI की स्थिति क्या है, तो RSI आज हमको स्टेबल दिखाई दिया है। अगर आप देखिए फ्राइडे का RSI और आज का RSI, मैं दोनों RSI के नंबर आप लोगों के सामने यहाँ पर लिख रहा हूँ। 17 नवंबर को RSI का लेवल जो दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये था 47 के आसपास, ये 17 नवंबर को RSI का लेवल था। आज के RSI की बात करें तो आज यानी कि 20 नवंबर को RSI का लेवल दिखाई दे रहा हमको लगभग, ये भी 46.9 के आसपास दिखाई दे रहा है, यानी कि लगभग 47 के आसपास दिखाई दे रहा है। तो RSI के नंबर में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो अभी मोर ऑर लेस सिचुएशन जो है मुझे तो बहुत ज़्यादा वीक नहीं लग रही है, थोड़ी सी वीकनेस ज़रूर है। अब बैंक निफ्टी के अंदर जो ओपन इंटरेस्ट की स्थिति है वो भी आप लोगों के साथ जल्दी से मैं शेयर करना चाहूँगा, जल्दी से मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि ओपन इंटरेस्ट के अंदर क्या स्थिति है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर ओपन इंटरेस्ट की डिटेल्स आ चुकी हैं। यहाँ पर नीचे की तरफ 43,500 पर हम लोगों को सपोर्ट दिखाई दे रहा है, अच्छी बात है। आज बैंक निफ्टी ने इस लेवल को डिफेंड भी किया 43,500 के आसपास, ठीक है जी, और 43,600 के आसपास हम लोगों को एक रेजिस्टेंस यहाँ पर देखने को मिला है। और फर्दर ऊपर की बातचीत करें हम तो यहाँ पर 43,700 और 43,800 ये वही लेवल्स हैं जो कि हमने चार्ट के ऊपर भी रेजिस्टेंस के तौर पर ऑब्जर्व किए हैं। OI चेंज के अंदर भी लगभग सेम ही सिचुएशन है, अगर आप फुल डे का OI चेंज देखिए तो लगभग सेम स्थिति ही हम लोगों को दिखाई दे रही है। 43,500 के ऊपर हमको यहाँ पर भी सपोर्ट का ही लेवल दिखाई दे रहा है, बल्कि यहाँ पर तो 43,600 के ऊपर भी अच्छी पुट राइटिंग ही होती हुई दिखाई दी है। तो अगर मैं अपना व्यू एक्सपेक्ट करूं या प्रेजेंट करूं तो जो OI चेंज हमको यहां पर स्थिति प्रेजेंट कर रहा है तो शायद हमको कल बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ी सी रिकवरी दिखाई दे, ये एक मेरा व्यू था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अब लगभग 3:30 हो चुके हैं, अपनी बातचीत को मैं यहीं पर ही वाइंड अप करना चाहूँगा। आगे दिमाग को मैं सभी लोगों को राम राम बोलना चाहूँगा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बींग विद मी इन दिस लाइव स्ट्रीम।